कच्चीला पुलिस बीट चौकी के सामने हुई सड़क दुर्घटना में युवती की मौत। दोषी टैंकर चालक को एमआईडीसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंधेरीपुर में नए मोटर वाहन अधिनियम को ताक पर रखकर चलने वाले चार सवारियों वाले शेयरिंग ऑटो की ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनदेखी किए जाने की खबरें पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं। ट्रैफिक की इसी अनदेखी के चलते पिछले दिनों अंधेरीपुर के महाकाली में एक युवती को सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि यह 36 वर्षीय युवती सकीना गायन कलकत्ता के 24 परगना की मूल निवासी थी और पिछले कई वर्षों से अंधेरी महाकाली स्थित बिंद्रा कॉम्प्लेक्स में रह रही थी। यह घटना तब हुई जब सकीना पास के मार्केट से मच्छी लेकर घर लौट रही थी। तभी तक्षशिला पुलिस बीट चौकी के समीप ही पानी के एक टैंकर का धक्का लगने से वह टैंकर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने भागने का प्रयास कर रहे टैंकर चालक को पकड़कर एमआईडीसी पुलिस के हवाले कर दिया। 8 बजे हम लोग मार्केट फिश लेने के लिए आए थे। फिश लेकर हम लोग जस्ट यहाँ से गुजर रहे थे और पीछे से ट्रक आके धक्का मारा और वो वहाँ गिर गई। ट्रक जो आता है पानी का ट्रक, उसने उसके चल रहा था, उधर उनको टच हो गया लगता है और वो पुल के नीचे ही उसका मुंडी आ गया था, सिर आ गया था, तो एकदम फिनिश करके गया। तो मैंने फिर जाके उधर वो गाड़ी को रुका, उसको ड्राइवर को लिया, बाहर लाया और को जो साथ में दूध रहता है उसको भी लिया, लेकिन पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी का इधर खड़ा किया। मौके वारदात पर पहुंचे पुलिस उप निरीक्षक जितेंद्र वाघ ने बताया कि टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 8 बजे के आसपास पानी का टैंकर था, उसके डैश लग के एक औरत नीचे गिरी, उसको अस्पताल में लेके गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उसको एडमिट करने से पहले डेड डिक्लेयर किया। उसका जो पानी का टैंकर है उसका जो ड्राइवर है, ड्राइवर और किन्नर को हमने हिरासत में लिया है, अभी तफ्तीश चालू है। सूत्रों की माने तो यह टैंकर मार्टिन ट्रांसपोर्ट के मालिक मार्टिन का है, जो इस क्षेत्र में 10-15 टैंकरों द्वारा प्रतिदिन बोरिंग का पानी सप्लाई करने का व्यवसाय चलाता है। पानी की किल्लत के चलते कई स्थानीय समाज सेवियों ने भी मार्टिन के इस व्यवसाय के खिलाफ आवाज उठाई थी। ऐसे में देखना है कि इस दुर्घटना के बाद पुलिस इस व्यवसाय के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाती है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़।